दुनिया कोरोना के नए स्ट्रेन से दहशत में है और इस बीच पता चला है कि सिर्फ हवा से फैलने वाला ही नहीं बल्कि पानी में घुलने वाला वायरस भी मौजूद है। हालांकि समुद्र में इस वायरस के रहने की वजह से इंसानों पर ज्यादा खतरा नहीं है, खतरा समुद्री जीवों को है। ये वायरस अमेरिका हवा में डिटेक्ट हुआ है, वहां डॉल्फिन रहती हैं। माना जा रहा है कि वायरस से डॉल्फिन और व्हेल मछलियों को बड़े पैमाने पर मौत हो सकती है। डॉल्फिन पर अदृश्य खतरा, किलर व्हेल की जान लेने वाला ताकत और दुश्मन, समंदर के पानी में घुला एक ऐसा वायरस जिसकी वजह से डॉल्फिन और व्हेल के शवों का अंबार लग सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी के बाद दुनिया के लिए चेतावनी जारी की। स्टडी में पता चला कि अमेरिका के करीब समंदर के पानी में एक घातक वायरस तेजी से फैल रहा है। ये वायरस वैसा ही जैसा वायरस इंसानों में मिजलिस और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां फैलाता है। हवाई के समुद्री तटों के करीब डॉल्फिन और व्हेल की कई प्रजातियां रहती हैं। यहाँ इंसुलर फॉल्स किलर व्हेल भी जो लुप्त होने की कगार पर है। माना जाता है कि इनकी तादाद सिर्फ 200 रह गई। वायरस की वजह से प्रजाति हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक नया वायरस कैटासिनी मोरबिली वायरस का नया स्ट्रेन है। वायरस की वजह से ऑस्ट्रेलिया में 50 डॉल्फिन और ब्राजील में 200 से ज्यादा डॉल्फिन की मौत हो गई। माना जा रहा है कि नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा घातक हो सकता है। वायरस का पता तो चल चुका है, लेकिन अब ये पता लगाना है कि क्या मछलियों में इस वायरस से लड़ने की क्षमता है या नहीं। वैज्ञानिक अब डॉल्फिन का एंटीबॉडी टेस्ट करने की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट टीवीएन भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।